और चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बता देते हैं। डीजीपी से लेकर एसएचओ तक अब सभी को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक अपने अपने चैम्बर में रहना होगा। दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक चैम्बर में सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर है क्योंकि एसएचओ, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, साथ ही एसपी या फिर रेंज आईजी सभी पर ये नियम लागू होगा। 12 से 1:30 बजे तक इस पूरे समयावधि में अपने अपने चैम्बर्स में रहना ये नियम लागू होगा। डीजीपी उमेश मिश्रा ने आज बैठक की थी और आज इस क्राइम बैठक में सभी अधिकारियों को सख्ती से निर्देश दिए हैं। ये निर्देश उन्होंने अपने ऊपर भी लागू करवाए, यानी कि 12 से 1:30 बजे तक वो भी अपने चैम्बर में रहेंगे। डीजीपी की मंशा परिवादी की सुगमता से पुलिस अधिकारियों को मिल सके। और यहाँ डीजीपी ने इस बैठक में ये भी कहा कि अभी परिवादी के लिए एसएचओ से मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब समय निश्चित कर दिया जाएगा तो परिवादी भी इस चीज से बहुत ज्यादा डर-डर की जो कोशिश है वो उनकी ये नहीं रहेगी। इसके बाद भी मुश्किलें उनकी भी कम हो जाएगी और डर-डर उन्हें भटकना नहीं होगा। बड़ी खबर है इस लिहाज से भी क्योंकि क्राइम को लेकर ये बड़ी बैठक थी। डीजीपी जो हाल ही में नए बने हैं राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा, उनकी बैठक, पूरी जानकारी लेंगे। सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, अपने आप में एक बड़ा निर्णय है आज की इस क्राइम बैठक के बाद में, क्योंकि सभी की निगाहें थी इससे क्या नई बातें सामने आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात की 12 से 1:30 बजे तक सभी पुलिस अधिकारी अपने चैम्बर्स में रहेंगे नियम, क्या विस्तृत जानकारी इसको लेकर? देखिए, आज की जो क्राइम बैठक थी उमेश मिश्रा की जैसी, वो उनकी पहली क्राइम बैठक थी डीजीपी बनने के बाद। और आज की क्राइम बैठक की सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्होंने पाबंद किया है सभी रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों को कि वो खुद और उनके अधीनस्थ जितने भी एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, एसएचओ स्तर के अधिकारी हैं, सभी को दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक अनिवार्य रूप से अपने चैम्बर में मौजूद रहना होगा। इस अवधि में अगर मान लीजिए किसी को कोई आवश्यक काम है, किसी की एविडेंस है या किसी को किसी घटना पर मौके पर जाना है, तो जो भी उनका लिंक अफसर होगा वो अपने चैम्बर में मौजूद रहेगा। और इसके पीछे मंशा ये है डीजीपी की जो परिवादी है उनको पुलिस अधिकारियों से मिलने में सुगमता हो, क्योंकि ये सच्चाई है कि अभी भी अगर अधिकारी थाने में जाते हैं, डिप्टी एसपी के यहाँ जाते हैं, एडिशनल एसपी के यहाँ जाते हैं, तो अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाती परिवादी की, और फिर वो जो परिवादी होते हैं उनको बड़े अधिकारियों की तरफ जाना पड़ता है, चाहे वो पुलिस मुख्यालय में जाना पड़े या और दूसरी जगह जाना पड़े। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से पुलिसिंग करने की पहल की उमेश मिश्रा ने, और अगर ये सही तरीके से लागू हुआ, सभी अधिकारियों ने इसको इंश्योर किया कि वो 12 से 1:30 बजे तक अपने चैम्बर में ही मौजूद रहेंगे, तो परिवादियों को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो एक मंशा है कि बिल्कुल शिवेंद्र, और ये अपने आप एक बड़ी जानकारी और बड़ा लाभ भी यहाँ पर आम जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकने एक छोटे